और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी, पीएम को खड़गे की चिट्ठी का जवाब दिया, खड़गे की बातें सच से दूर ये कहना है जेपी नड्डा का, राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये भी पूछा जेपी नड्डा ने। राहुल ने पीएम ओबीसी समाज को गाली दी, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है। सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था, तो राहुल को महिमा मंडित करना खड़गे की मजबूरी, ये कहते हुए ये पत्र लिखा है जेपी नड्डा ने। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया है। तो सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था, ये बात भी जेपी नड्डा ने इस चिट्ठी में ये बात भी लिखी है। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये कहा कि दरअसल राहुल गांधी को महिमा मंडित करना उनकी मजबूरी है। तो ये कहते हुए एक तीखा तंज भी सामने आ रहा है जेपी नड्डा का। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यानी कांग्रेस के अध्यक्ष को यह चिट्ठी लिखी है, तो पीएम को खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब इसे माना जा रहा है। पूछा है कि क्या राहुल गांधी की करतूत भूल गए, कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, इस बात का उल्लेख भी चिट्ठी में है। और सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था कई साल पहले वाली जो बात, इसका भी जिक्र किया है आज जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में। तो राहुल पर देखिए आप आर पार की स्थिति नजर आ रही है और बीजेपी कांग्रेस में ये लेटर वॉर है। नड्डा का खड़गे को क्या जवाब है वो आपके सामने है। वो पूछ रहे हैं कि राहुल की करतूत भूल गए क्या, राहुल के खिलाफ बयान पर कानूनी कार्रवाई हो। दरअसल ये बात लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने खत लिखा था। नड्डा ने यह कहा कि राहुल ने पीएम मोदी का कई बार अपमान किया, खड़गे ने कहा था कि आपके नेताओं ने आपत्तिजनक बातें कही हैं, हिंसा की बात कही है, नफरत की वजह से महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की शहादत हुई। तो नड्डा का जवाब, राहुल ने पीएम ओबीसी समाज को कई बार गाली दी। तो वार और पलटवार, पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से। खड़गे ने यह भी कहा था कि अपने नेताओं पर मर्यादा का अंकुश लगाएं, प्रधानमंत्री से यह बात उन्होंने कही थी। तो जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था, कांग्रेस नेताओं ने मोदी को 110 गाली दी, यानी गालियों की संख्या तक बता दी गई है जेपी नड्डा की तरफ से। अनहोनी से पहले राजनीति का पतन रोका जाए, यह कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम लिखी थी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हाल के दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, उसका जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए। और इसी के जवाब में अब जेपी नड्डा की यह चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने यहां तक बोला कि प्रधानमंत्री को अब तक 110 गालियां दी गई हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।